इम्तियाज जलील पत्रकार परिषदेत बोलतायत, थेट जाऊया. ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं? ये जो लड़का है इसके हाथ में इलेक्शन कार्ड्स, ये एजेंट था. ये पूरे भाजपा के तस्वीर लगे हुए हैं, उनके जितने भी महान नेता है ना देश के, ये और थे. ये अरविंद दोनगांवकर, ये वकील है, ये वकील है ये. और ये कानून के रखवाले जो होते हैं, कानून के लिए वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनकी है, ये अरविंद डोनगांवकर अपने ऑफिस में लगातार सुबह से लेके दोपहर तक इनका यही काम था कि ये ऑफिस में बैठे बैठे महिलाओं को लेके आना. वो जो लड़का आपने देखे है वो दलाली का काम कर रहा था, मुस्लिम लड़का है. एक एक महिला के पीछे इनको कमीशन भी दिया जा रहा था. जो लड़के महिलाओं को लेकर आ रहे थे, तुम इतने लेके आना हम तुमको इतना कमीशन देंगे कर. उन्हें इलेक्शन के दिन वकीली कर रहे हैं. ये लड़का दलाली कर रहा था. मैं तुम्हारे घर पे आया क्या? जब तक इनके एक बंदे ने फोन करा और फोन करने के फौरन बाद इनके गुंडे वहां पर जमा हो गए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सामने और नारे क्या लगा रहे हैं पता है आपको? जय श्री राम, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरविंद डोनगांवकर साहब. अब अगर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी तलाशा गया, इनके घर के सामने भी सीसीटीवी लगा हुआ है, अगर पुलिस ने वो सीसीटीवी अगर लिया तो उसमें कितनी महिलाएं गई है. और साहब कह रहे मैं वकीली कर रहा हूं करके, इलेक्शन के दिन इन्हों वकालत कर रहे हैं और इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं इनके पास कौन सा केस लेकर गई है मुझे पता नहीं है. चलिए तीसरा ये हो गया. हाँ ये अब इसको होल्ड करिए. ये जो है ये भारत नगर का वीडियो है जहाँ पर हमको ये जानकारी मिली थी कि शाम में 5:10 पे भारतीय जनता पार्टी का एक दलित लीडर है जालिंदर शेंडगे. जालिंदर शेंडगे ने बहुत सारे लोगों को जो वहां के रहने वाले कोई नहीं, अचानक झुंड का झुंड उसने लेके आया वहां पे. तो वहीं के हमें लोगों ने फोन करके बताया वहां के रहने वाले लोग. और एक बात बता दूं, किसी मुस्लिम आदमी ने मुझे फोन करके नहीं बताया,
वहीं के नॉन मुस्लिम लोगों ने मुझे फोन करके कि साहब ये जितने भी लोग ये जालिंदा शेंडगे ने लेके आया है ये हमारे एरिया के नहीं है, ये बोगस करवाने के लिए लेकर आए। अब ये जैसी जानकारी मिली हम वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जालिंदर शेंडगे खुद अंदर खड़ा हुआ था और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। जैसे ही हम लोग वहां पर गए, मैं खुद गया, मैं एज ए कैंडिडेट मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, वहां पे जाते ही बहुत सारे लोगों ने बताया कि साहब ये जितने भी लोग अभी लाया है इसने जालिंदर शेंडगे ने, ये हमारे एरिया के नहीं है, ये पूरे बोगस करवाने के लिए लेके आए। मैं एक पोलिंग बूथ के अंदर एंटर हुआ, एंटर होते ही मुझे वहां पर शिवसेना का जो बंदा था या कांग्रेस का था होगा एजेंट, हमारा भी एक एजेंट बैठा था, दोनों ने मुझे बताया कि ये महिला के पास कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्टली अंदर गई और अंदर जाके इन वोट डाल रहे थे उसी वक्त गई, मेरे साथ कुछ लोग थे, चीखना चिल्लाना जब शुरू हुआ पुलिस वाले वहां पर देखी तो वो बगैर वोट डाल के है तो बाहर निकल रही थी, बिल्कुल वोटिंग उसके ऊपर थी। और वहां पर एक कांस्टेबल थी जो उसको इशारों में बोली कि निकल जाओ करके, वो मेरे सामने से जब जाने लगी तो मैंने हाथ रखा और मैंने कांस्टेबल को बोला ये महिला ला तुम्हें धरून ठेवा तिला कशाला तुम्हें जाऊ देता आहे करके। वो महिला कांस्टेबल मुझसे बहस करना शुरू कर दी। इस जालिंदर शेंडगे के साथ जो लोग आए वो लोग वहां पे उन्होंने देख लिए कि ये महिला फंस रही है तो उन्होंने आके बहस करना शुरू कर दिया, नहीं तिचा करते आई कार्ड नहीं हमें मागवलेला आहे, आई कार्ड मागवलेला है, सब वीडियो के अंदर है, तिच्याकडे काय आई कार्ड नहीं ते आम्ही मागवत आहे ते माग येणार आहे ऐकून मगर आई कार्ड नहीं है, तो आप अंदर गए कैसा, पोलिंग बूथ के अंदर गए कैसा। तो ये वीडियो आप देखिएगा, वहां पर जालिंदर शेंडगे खुद मौजूद था, सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर देखेंगे कि कितने लोगों को लाया था, एक एक सीसीटीवी को आप तराशेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एरिया में रहने वाला बंदा वहां पर है, सब एविडेंस है आपके पास। चलाइए